अब भट्टे वालों ने जितने भट्टे वारी लगाने थे लगा लिए, उसका नतीजा देखा तूने? क्या निकला? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अर्शद भट्ट का लड़का वो इतना सही दिल निकलेगा, वो तो वाकई हीरो निकला। मेरा नाम उसका हीरो नहीं है, वो तो वाकई हीरो भट्ट निकला। हीरो भट्ट, देख पेंदे सट्टे उसने सारी गेम ही पलटा दी, सारा तख्ता उसने पलट के रख दिया। इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे हो गई बंदा पहचानने में? असल काम तो वो वलैती करिंदा कर गया। वो इतनी मासूम शक्ल बना के, इतनी मिसनी शक्ल बढ़ा के भाई गोलियां चलवा दी उसने। और तेरे ऐसे चो होने पे भी लाने रशीद, पैन पुलिस में होते हुए वो इस तरह की चलाकियां मैंने नहीं कभी की। वो कल का बच्चा हमें बच्चा बना के चला गया। खैर छोड़ो पैन, दोस्त का बेटा है, वैसे भी अभी उसने दफाई हो जाना है यहां से। ओए कैसे छड़े? कौन सा दोस्त, किसका दोस्त और कैसा दोस्त? याद रखियो निके, अब जहन इस मुल्क से सादा वापस नहीं जाएगा, और कैनेडा उसकी डेड बॉडी जाएगी, उसकी डेड बॉडी। उसने धोखा दिया है मुझे, मुझे मेरी बेटी को, और मेरी बेटी को जो धोखा देगा उसकी सजा सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत। पैन कह रहा हूं ना, छोड़ो इस बात को, अब जो होना था वो हो गया, आगे का सोचें। क्या क्या सोचू आगे का? निके, उसने हीर को हड़पने के लिए ना मुझ पे गोली चलाई, और मैं फिर भी माफ कर दूंगा उसे, लेकिन उसने मेरी मासूम बेटी, मेरी हीर को रुलाया है। उसने उसकी मासूमियत से खेला है। वो हीर के जज्बात से खेलता रहा, और हमें पता ही नहीं चला। और मैं काय का प्यू हूं, तू काय का चाचा है। तो उसकी बातों में आकर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते रहे, और हम कख ना कर सके। हमारी आंखों के सामने वो हमारी बेटी से, उसके जज्बात से खेलता रहा, बदबख्त का बच्चा। इसे ही तो कहते हैं भाईजान, जब अपने ही घर में गलत फहमियां शुरू हो जाएं, तो बाहर के लोगों को मौका मिल जाता है कि वो अपनी छुरियां तेज करके अपने वार करने शुरू कर देते हैं। ओए बाहर के लोगों की ऐसी की तैसी वादा कर मुझसे, वादा कर, और 302 का पर्चा डाल उस पे, 4-5 पर्चे डाल के अंदर कर, सजाए मौत मिलेगी। उसने मेरी हीर को रुलाया है, और यकीन करो अगर तू ऐसा ना कर सका और कानून ने उसे सजा ना दी, तो मैं ये हमीद जाट उसे सजा खुद देगा, और मैं खुद उसकी मौत का परवाना लिखूंगा। फिर देखता हूं कौन रोकता है मुझे। और मेरा भी दिल करता है कि उस बगैरत को मैं अभी गोली मार दूं, लेकिन भाईजान आप समझे बात, समझ क्यों नहीं रहे? अब्बा जी और माँ जी ने भी कह दिया है कि
अरशद भट्ट के साथ पिछली बातें बुला के नई शुरुआत करो। भाईजान आप ही तो कहते हैं ना कि अब्बा जी का आर्डर लोहे का गार्डर है, उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। दफा करें पुरानी बातों को, फुल स्टॉप, बस। ना, ना निके, अब मुझे अरशद भट्ट से कोई गिला नहीं है।